सोचो उन्होंने उसके अंदर इंजन ऑयल नहीं डाला, जो मेन काम है सर्विस में, सर्विस में दो वो दे दी और 18,000 का बिल बना दिया। वो दो दिन बाद मेरी गाड़ी सीज हो गई। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भाई हमारे देखते हैं रजनी जी को, या बहनें देखती हैं, प्यार दिखाते हैं, ऐसी प्यार दिखाते रहे, थोड़ा बहुत प्यार हमारे चैनल को भी जाके दिखाना, राजवीर फिटनेस सीरीज नाम से। और राजवीर मुझसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, तो मैं इसलिए इनको ज्यादा सर नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत बड़े नहीं, नहीं है सर, बोलो भी मत, मैं तो मैं, बोलो भी मना, मैं बड़ी हूँ इनसे, ये मुझसे छोटे तो छोटे भाई जैसे ही है, तो भाई की तरह ही बोला जाएगा इन्हें, ठीक है। कभी डिवाइडर पे चढ़ा दी, कभी जंगल में घुसा दी, मैं ऐसे करता हूँ, कभी यहाँ पीछे घुसा दी, तो कहते भैया ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर चली लो कहीं। अच्छा राजवीर, आपको 1 साल हो गया आपने बताया, 1 साल हो चुका है, और आपने एक बार भी ऑफ रोडिंग नहीं की है? नहीं की। तो मतलब अगर 4x2 जैसे गाड़ी अभी आई है तो वो ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए है नहीं। और बहुत बुकिंग है उसकी, जो इसकी अच्छा, बुकिंग है ना अच्छा, उसके रिकॉर्ड को क्रॉस किया 4x2 ने। अच्छा, आपको कितनी समझदारी लग रही है? नहीं, समझदारी तो मुझे लग रही है इसमें अगर लोग ऐसे खरीद रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने गाड़ी खरीदी, पर मैं ऑफ रोडिंग के लिए कभी गया ही नहीं आज तक। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जो ऑफिस जाते हैं, जिनका पर्पज ही नहीं ऑफ रोडिंग का, बट फिर भी स्टिल उनको थार पसंद है। अभी मैं क्या देखता हूँ ना, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां BMW में जा रहे हैं, ऑडी में जा रहे हैं, स्टिल वो इसको मुड़ के देखते हैं, क्योंकि अच्छी सबको लगती है। मैंने भी देखा, मुड़ के, अरे ये तो राजवीर जा रहा है, अच्छा। क्या थार जा रही है? क्योंकि थार अच्छी लगती सबको है, है ना? पर इंसान क्या कहता है यार, 20 लाख कौन खर्चेगा, 19 लाख कौन खर्चेगा, क्योंकि हमारा ऑफ रोडिंग का काम है नहीं, और सेकेंडरी कार तब भी रहनी है, तब भी रहनी है। तो अभी वो प्राइस ज्यादा हो गया है, लोग थोड़ा बहुत टशन मार लेंगे, क्योंकि अब अगर मेरा जैसे मैं बताऊं, एक बार इसमें 4x4 लगाया बस, वो फॉर्च्यूनर निकालने के चक्कर में, वरना 1 साल से ऐसी चल रही और ऐसी ही चलती। तो जो 4x2 ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके लिए फायदा भी है, फायदा है, सीरियसली फायदा है, लेकिन बस जब ड्राइव करोगे ना आप, ड्राइव मेरे को नहीं सेटिस्फैक्टरी लगी इसकी। नहीं, बस इंजन में जान तो कम, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है होगी, अगर कोई इंजन 4x2 जो ये सब टेशन कर लोगे ना, ये अपने टायर वायर लगवा लिए बड़े बड़े उस छोटे से इंजन के साथ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको फिर वो नॉर्मली चलानी पड़ेगी, फिर तो आपको लगेगा जोड़ना पड़ेगा, तो आप उसको नॉर्मल स्टॉक रख के चलाएंगे तो थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाएंगे ड्राइव में। नहीं, मुझे लग रहा है कि इंजन छोटा नहीं, नहीं करना इंजन चाहिए था, क्योंकि देखो इंजन कर दिया ना। नहीं रजनी जी, हर चीज थोड़ी मिल सकती है, या पैसे, तो पैसे दे लो, अगर पैसे बिल्कुल एग्जैक्ट आधे हो गए, कम 19 लाख कुछ की पड़ी थी मेरी, ये है ना, 19 कुछ की पड़ी थी, 1980-1970 की पड़ी थी मुझे, उन्होंने सीट कवर चढ़ा दिए थे, डीजल ऑटोमेटिक 4x4। हाँ, ये बढ़ रहे हैं इसके रेट, जब मैंने ली थी मुझे 18 की पड़ी थी, रेट बहुत बढ़ रहा है, ये फायदा तो वही है। देखो 4x4 नहीं चाहिए तो उसने पैसे भी नहीं चुकाने पड़ रहे, आधे रेट में काम मिल रहा है। और इंजन डिफरेंस आपको मैंने बताया था कि उसके अंदर 1.5 लीटर है, यहाँ पर 2.2 लीटर है, 2.2 में भी हमें अंडर पावर फील होती, लगती है आपको कि यार एकदम से नहीं भाग रही, एकदम से नहीं भागती, एकदम नहीं है, पूरा पंजा दबा दो, उसके बाद बुलेट की तरह धीरे 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 फिर कहीं जाके पिकअप लेती है, तो 1.5 में तो आपको, बट ठीक है यार, चॉइस है सबकी, बहुत ज्यादा सेकेंडरी है तुम्हारे लिए, बिल्कुल 10 लाख 11 लाख फालतू है, लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको नहीं होता भगाने का शौक भी, उनको इनिशियल पिकअप भी नहीं चाहिए इतना ज्यादा, पर थार पता नहीं फिर भी प्यार है कुछ है, कुछ क्रेज तो है, थार इज इक्वल्स टू प्यार सबके पास है। हम लोग बुराई भी कर रहे हैं, मेरे पास भी है, इनके पास भी है, और तब भी हम कह रहे हैं गाड़ी अच्छी नहीं है, ये तो आई ओपनिंग वीडियो बना रहे ना हम, की देखो हमारे पास भी है, पर हमने जैसे बताया कि सेकेंडरी कार है ना हमारे लिए, आपको 5 लोगों को लेके जाना तो आप थार थोड़ी निकालोगे, मुझे अपने 5 दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना, मैं थार थोड़ी निकालूंगा। गाड़ी अच्छी है यार, वही मैंने बोला ना आपको, हमने सब कुछ बता दिया है, अब ये इट इज अप टू यू, आप कैसा क्या चाहते हो, लेकिन अगर महिंद्रा थार को रियल एंजॉय करना चाहते हो, सिर्फ ऑफ रोडिंग की बात नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ा फर्क है दोनों प्रोडक्ट के अंदर, जो आपको फील होने वाला है प्राइस के अंदर भी और परफॉर्मेंस के अंदर भी। सही बात है। अच्छा भाई, एक चीज और बता दो मुझे, आपने इसकी सर्विस कराई है? कितने पैसे लगे अभी तक? सर्विस में मेरे साथ बड़ी धांधलेबाजी करी उसने, तो थोड़ा धमकाया मैंने उसे, उसे पता नहीं था कि आप, उसको पता नहीं था, मारोगे, पंच मारोगे, उसको तो पता नहीं था उसने क्या करा इसके अंदर ना, सर्विस के में जो चीजें नहीं बोली गई थी ना वो भी कुछ कुछ घुसा के उसने बिल इतना मोटा बनाया। अच्छा, तो फिर उसको लगा बिल पड़ेंगे नहीं, हमने बिल पड़ा, तो उसके अंदर 3 चीज ऐसी एक्स्ट्रा थी जो ना तो मैंने उसको बोला करने को, ना ही इसको जरूरत थी, बिना वजह लगा के उसके किसी के 800 रुपये, किसी के 1000 रुपये ऐसे करके। क्या कर दिया वो, क्या क्या चीज़ें थी? इसका जो वो होती है ना टायर की वॉल बॉडी होती है, क्या होती है उसको, क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर का जो कैप होता है, ये वाला जहाँ से हवा डलती है। अच्छा, उसके ऊपर कैप होता है ना, वो महिंद्रा का लोगो है। हाँ, वो हमें चाहिए ही नहीं था, 800 रुपये का उसने वो लगा दिया अपने आप, वो 800 रुपये का होता है। हाँ, वो तो वैसे भी। और क्या क्या चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें बढ़ा के लगाई थी ना,
तो एक ऑयल था वो बेमतलब का, कोई क्लेंजिंग थी जबकि नई गाड़ी थी, नई गाड़ी थी बिना वजह। हाँ तो उसने कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये ऊपर करने की कोशिश करी, 4,000 तो, पर फिर सब फ्री में दिया था। फिर जैसे उसको पता चला कि पंच आ सकता है तो फिर नहीं, मेरी एक वीडियो है थोड़ी सी, उसमें थोड़ा मैंने मेरी मारुति वालों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी एक बार, तो वो थोड़ा वहाँ ज़्यादा उपद्रव हो गया था। अच्छा इस चीज़ पे क्या बोलना है आपको, जो आजकल गड़बड़ होती है ये डीलरशिप करता है या कंपनी का? कंपनी नहीं करती कुछ, कंपनी का रोल नहीं होता है ना, जो लोग हम लोग सीधा कंपनी से नाराज होते हैं। तो मैंने तो उसको बुलाया, मैंने कहा 2 मिनट इधर आ ये वीडियो देख पहले, उसने वीडियो देखी अच्छे से, कह रहा मैं अभी बिल आपका काट के देता हूँ। मेरी उसमें डीलरशिप वालों ने ना, कंपनी सारी अच्छी है, कंपनी के अंदर कुछ वो नहीं है, लेकिन ये जो जहाँ से हम सर्विस कराते ना ये चोर होते हैं सारे, डीलरशिप वाले ही होते हैं। मेरी गाड़ी की सर्विस के लिए गई थी सियाज, 50,000 किलोमीटर की सर्विस थी, सोचो उन्होंने उसके अंदर इंजन ऑयल ही डाला, जो मेन काम है सर्विस में, सर्विस में तो क्या करके दिया, धो हो गए दे दी और 18,000 का बिल बना दिया। अच्छा 18,000 का बिल बना दिया बिना इंजन ऑयल वाला, बिना इंजन ऑयल के। वो 2 दिन बाद मेरी गाड़ी सीज हो गई, तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैं रात को 2 बजे वो टांग टूंग के लाया गाड़ी कैसे क्रेन में, अगले दिन मैंने खड़ी करके ना बहुत ज़्यादा वहाँ उपद्रव मचाया, मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए नहीं, मैं इसको जला के जाऊँगा। जला देते? मैं जला देता, उस टाइम माचिस नहीं थी किसी ने, मैंने कहा मैं पेट्रोल डाल के यहीं जला रहा हूँ। मैनेजर के साथ इतना झगड़ा हुआ मेरा, वहाँ के स्टाफ से इतना झगड़ा हुआ, तो वो वीडियो मैंने लाइव बना दी। क्या होता ना, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट होता है ना यार, आप पैसे भी दे रहे हो, आप सब चीज़ें कर रहे हो। 2-3 बार हो गया मेरे साथ ऐसा, तो मैंने कहा यार ये तो गलत है। तो वो वीडियो मैंने लाइव इसलिए बनाई कि क्या होता ना कि आजकल झूठे इल्जाम बहुत जल्दी लगा देते हैं किसी कोई भी किसी के ऊपर, तो लाइव वीडियो इसलिए बनाई कि कर तो हम झगड़ा रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, और मैंने इन सारों को बोला, मैंने कहा हाथ मत उठाने देना, मेरे हाथ पकड़ लेना। तो 3-4 लड़के मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, वो पीछे से हाथ पकड़ रहे हैं मेरे, तो उनको 1 मिनट लगेगा पुलिस को फोन करके ये कहने में कि इन्होंने तोड़फोड़ भी करी है, इन्होंने गाली गलौज करी है, इन्होंने मारा, और उन्होंने वही बोला। तो पुलिस जब आई तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा लाइव वीडियो 1 घंटे की बनी हुई है, ये आप कहीं भी देख लो, किसी को भी अगर हमने जान से मारने की धमकी दी हो या किसी पे भी हाथ उठाया हो, तो फिर वहाँ से जैसे तैसे उनसे वो। अच्छा मतलब ये कि एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से वो आपके सर पे चढ़ रहे हैं कि पुलिस को बुला लेंगे। नहीं बुला ली थी पुलिस, पुलिस बुला ली थी। फिर पुलिस वालों ने कैमरा बंद कराया। वो तो डीलर्स की धांधलेबाजी चल रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकने लग गया है तो हवा में रहते हैं ये लोग, ये ऐसे ही करते हैं। अच्छा ये जो हमने मॉडिफिकेशन कराया, सबसे पहले मुझे बताओ कि टायर के ऊपर कितना खर्चा हुआ? टायर के ऊपर हुआ था हमारा 2,80,000 या 3 लाख रुपए का, 3 लाख के करीब हमारे लग गए। ओके, और ये सब चीजें जो आपने ये लगवाया, ये लाइट, ये ग्रिल हमने चेंज कराया, मैं 5 लाख रुपए पूरे दे के आया था उसमें लुधियाना में, 4.80 या 5 के आसपास, तो 3 कुछ का खर्चा तो उसमें आया था, और 2 लाख म्यूजिक सिस्टम होगा आपका कॉस्टली। हाँ 2 लाख रुपए। ये बिल्कुल सही बोला था आपने कि इसको ज्यादा नॉलेज है, मयंक मुझे को सारा नहीं पता है। अब मयंक बताएगा, चलो ये एक तो लगे थे बम्पर इसमें, राइट, फॉग लैंप, मेन लैंप, पीछे का टेल लैंप, और एसी वेंट्स थे, और कंपोनेंट थे, और अंडरशीट बूफर का, और ये ग्रिल, और ये ग्रिल, ये सबके 2 लाख लिए हैं। हाँ और पीछे वो भी तो था, मैट हो गए, और हैंड रेस्ट नहीं लगाया उसने पीछे, पीछे आर्म रेस्ट नहीं लगा दिया, आगे हैंड रेस्ट और फुट मैट। ओके तो इस सबका हमें 2 लाख रुपए देना पड़ा, और 3 लाख के हमारे टायर पड़ गए इंक्लूडिंग अलॉयस, 5 लाख में आपने पूरा ये कार का करा लिया मेकओवर। ओके, तीसरे चौथे दिन ही करा देता आते ही, ये क्रेज होता है थार में, है ना, कि गाड़ी आई है बस मॉडिफिकेशन करानी है। हम गए थे यहाँ से 140 की स्पीड पे थे, और जब आए ना 100 ऐसे हिलते हैं, 80-90 इनकी वजह से। इनके बिना मजा भी नहीं, और इनके साथ बिल्कुल भी मजा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाइसी है, और हर किसी की गाड़ी में होगा। मैंने इस बार स्टॉक रखा है, नहीं बदला मैंने, बहुत बेटर है पहले के कंपैरेटिवली ना, 24 इंच के कंपैरेटिवली। तो दोस्त ये था हमारा महिंद्रा थार का राजवीर के साथ एक और रिव्यू। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा होता ना, ये कुत्ता बीच में आ रहा है क्या, बिल्ली में बैठ गया। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली पंजाब वगैरह की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह आपको बहुत दिखेगी, यूपी में भी बहुत लोग इसे पसंद करते हैं, मुंबई में भी बहुत चल रही है। हाँ बहुत रफ टफ और बहुत टशनी कार है, लेकिन यस इस गाड़ी के साथ कुछ ड्रॉबैक्स है जो आपको हमने बताए। 4x2 के लिए सबसे ज़्यादा क्वेरीज हैं, जिसके लिए मेन हमने आज का वीडियो बनाया था। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि 4x4 में भी लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो 4x2 में आप बहुत उम्मीदें मत कीजिएगा, जितने पैसे आपके कम किए गए हैं आपकी खुशी भी उतनी ही कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही बात है। तो फिर मिलेंगे दोस्त आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग दोस्त के साथ, राजवीर के साथ भी, इसके पास तो बहुत गाड़ियाँ हैं, भर भर के गाड़ियाँ लेता है ये, शौकीन है कार का। तो राजवीर के साथ भी बनाएंगे दोबारा वीडियो, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।
cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole.